उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। धामी ने गृह मंत्री को जोशीमठ के मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी और यह मीटिंग गृह मंत्रालय में करीब आधे घंटे तक चली। शाह से मुलाकात के बाद धामी ने कहा है कि अगले 3 से 4 महीने में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि चारधाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। जोशीमठ में 849 इमारतों में दरारें आ गई हैं। अब तक 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। 615 कमरे का अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है जहां पर पीड़ित लोगों को रखा है। सीएम धामी ने कहा है कि जोशीमठ में 65 से 70% लोग सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी अफवाहें देश के लिए भी अच्छी नहीं हैं। अभी भी उत्तराखंड में पर्यटन स्थल ओली है, जो लोग लगातार यहाँ घूमने आ रहे हैं। धामी ने गृह मंत्री को जोशीमठ की स्थिति और लोगों के बचाव के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। जोशीमठ के पीड़ितों के लिए नए स्थान देख रहे हैं और उसको लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम धामी ने कहा कि गृह मंत्री ने आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। धामी से पूछा गया कि क्या अमित शाह को जोशीमठ को लेकर कोई रिपोर्ट सौंपी गई है, तो सीएम ने कहा है कि जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब केंद्र को दी जाएगी।